जनाब वेलकम टू टाइम आउट विद अहसन खान। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैर खैरियत से हैं, हर जगह सुकून है, आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और मेरा शो देख रहे हैं। जनाब एक फैक्ट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मुझे पढ़ के हैरत हुई एंड आई एक्चुअली रिसर्च के इज दिस ट्रू। ब्राज़ील में एक इलाका है, उसकी आबादी ज़्यादा तो नहीं, छोटी है, लेकिन वहाँ के तकरीबन 80% लोग ट्विन्स हैं, यानी कि 80% लोग जुड़वा हैं। यार इस पर बंदा बजाना, ऐसा और कहीं नहीं है। और ये क्यों है? आपको 90 साल के बूढ़े भी ट्विन्स बनेंगे, आपको बच्चे भी ट्विन्स बनेंगे। आई वाज सरप्राइज्ड यार, ऑल्दो आई हैव अ ट्विन, मेरा भी ट्विन है, पर मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये कि ट्विन्स यार आप देखें वहाँ पे 80%। कुछ लोग कहते हैं कि उस इलाके का पानी ऐसा है कि वहाँ पे ज़्यादा ट्विन्स पैदा होते हैं, बट आई हैव टू रिसर्च कि ये इलाका कहाँ है और ऐसा क्यों होता है। जनाब कभी कभी आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आपकी शक्लें मिलने लग पड़ती हैं या फिर आपकी आदतें मिलने लग पड़ती हैं। और हमारी फील्ड में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो इतने क्लोज होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतने एक दूसरे के साथ होते हैं कि हमेशा थ्रू थिक एंड थिन एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो आज जो हमारे मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं वो आपके हमारे सबके फेवरेट हैं। कुछ अरसे से हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे, हम उनसे पूछेंगे कहाँ गायब हैं। आप भी बहुत से सवाल करना चाहते हैं, यकीनन आपको बातें सुन के मजा आएगा, लेकिन उनसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद अहसन खान। और मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं कराएंगे, मिलवाएंगे आपके हमारी फेवरेट गेस्ट। हमारी निकल गया, हालांकि दोनों हमारी नहीं है, एक हमारी और एक हमारा है ऑब्वियसली, लेकिन हमारी इसलिए निकल गई कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवरेट है सबकी। और मेरी तो बहुत फेवरेट है क्योंकि मैंने तो उनसे जब काम किया, हुस्न जहां उनका नाम था, और मुझे तो आज तक लाइक उनकी जो ड्रामे में जो हुस्न जहां का कैरेक्टर था वो तो मेस्मराइजिंग था, लेकिन वो रियलिटी में भी उतनी ही मेस्मराइजिंग है। लेकिन आजकल मुझे नजर नहीं आ रही, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के उन्हें कहा कि बेवफा दोस्त कहाँ चली गई हो, और फिर वो यहाँ पे हाजिर हुई और हमारे साथ है। प्लीज वेलकम कुबरा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बेवफा नहीं हूँ। तो मतलब कितनी देर होगी अलिफ किए हुए? 2 साल। 2 साल बाद, उसके बाद हमने एक दफा हेलो, उसके बाद हमने कमर्शियल भी की थी साथ में। उसको कितनी देर होगी? 1 साल। 1 साल बाद उसके बाद आपने मुझे कब मैसेज किया? मुझे लगा मैंने एक फिल्म का स्क्रिप्ट भेजा था जिसपे बिल्कुल ही गायब हो गई उसके बाद। इतना बुरा लगा, फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं याद? नहीं, मुझे भेजा था। बैठिए, तशरीफ रखिए। I'm good, how are you? Good to see you. Good to see you too. After a long time, because हम लोगों की गपशप नहीं हुई। हाँ जी, अभी मुलाकात कहीं पे देखते रहते हैं हम, तो नजर आते थे, गपशप नहीं हुई। बिल्कुल। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। फिट 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 फिट। किसके साथ चल रहा है? किसी के साथ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कल्ले कल्ले खुश। मेरा मतलब था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सीधा सीधा प्रोजेक्ट था। अभी दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथ साथ में, अभी कर रही हूँ मैं, सो आई एम एक्साइटेड। हम टीवी के साथ चल रहे हैं। खुश? पता नहीं कुबरा किस चीज की बात कर रही है। आई नो यू टू वेल एहसन, दैट्स व्हाई। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कभी कभी सीरियस बात भी करता हूँ, लोगों को लगता है कि जरूर कोई ऐसी अच्छा नेक्स्ट गेस्ट जो है वो कुबरा की तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और क्योंकि कुबरा सबसे ज्यादा मतलब उनसे बातचीत करती हैं, और हमें भी कभी कुबरा को ढूंढना तो हम उनको भी ढूंढ लेते पहले कि चलो इस बहाने से कुबरा मिल जाएगी, तो उनको बुला लें। प्लीज वेलकम गोहर। आप तो इतने अच्छे दोस्त, आप मिलेंगे नहीं उनसे? एसओपी का ख्याल रखेंगे, आपने नहीं रखा। थैंक यू। नहीं रखा, हमने ऐसे किया था। नहीं आप, अच्छा ठीक है, दूर 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 से। जी जी। कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो उनकी शक्लें मिलने लग पड़ती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ, इनकी जो बेगम है फातिमा, ठीक है ना, मैं उसको बहुत छोटा था और मैंने इनकी शादी में डांस किया, हर शो में लगी, ठीक है ना, मैं लिटरली मैं लड़की वालों की तरफ से था, हाँ मैं लड़की वालों की तरफ से था और मैंने इनकी शादी पे डांस किया, ठीक है, वो दोस्तों में नहीं होता, वो मियाँ बीवी में होता है कि शक्लें मिलना शुरू हो जाती है। इस बात का मतलब मैं अभी सोचूंगा कि बात का मतलब क्या था लंबा, कि जहाँ कहीं मुझे मिल जाए तो वहाँ पे ये बात जरूर याद दिलाता कि मैंने एहसन भाई, एहसन मैंने आपकी शादी में डांस किया था, मैं बहुत छोटा था जब मैंने आपकी शादी में डांस किया था। इतना छोटा नहीं था, इतना ही था, ये मैं बोलता हूँ कि मैं छोटा था। कब छोटा था यार? अच्छा एक मिनट, जो मेहंदी पे गर्ल्स एंड बॉयज डांस करते हैं वो के बच्चे होते हैं यार? नहीं बच्चे नहीं, लेकिन कल का भी कहते तो कल से तो, लेकिन अर्ली 20s टाइप सीन था, अर्ली 20s टाइप सीन था, नॉट रियली छोटा। हां हां, आई वाज आल्सो इन माय लाइक टीन्स। अब कितना बंदा, मतलब कितना। अच्छा क्या हो रहा है भाई गौहर आजकल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम हो रहा है। मतलब क्या, व्हाट प्रोजेक्ट आर यू डू? यू वर शूटिंग फॉर समथिंग, सम फिल्म दीस डेज? आई वाज, बट ड्यू टू कोविड वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है, जिसपे मैं और कुबरा हम दोनों ही हैं। लंदन ही जाऊंगा। हाँ, तो वो ये कौन सी है? तो वो ड्यू टू आई मीन लाइक द सिनेरियो जो है अभी पेंडेमिक। कितना काम हुआ उसका? कुछ काम शूट हुआ अभी? 50% हुआ, 50% रहता है। नहीं, योर वर्क। हाँ, माय वर्क इज डन, लेकिन द मूवी ओवरऑल वो 60% तकरीबन हो गई है बस। हाँ 40% रहती है, बट वो ऑब्वियसली कोविड की वजह से हमें पॉज पे रखनी पड़ी है अभी। अच्छा, डू यू गाइस थिंक कि फिल्म्स में इतने इन्वॉल्व हो गए सारे एक्टर्स कि टीवी कुछ देर के लिए निगलेक्ट हो गया था? ऐसा हुआ है? बिकॉज़ कुबरा का तो कोई प्ले नहीं आया 2 साल के बाद से, 2 साल। हां लेकिन वो आई मीन दैट्स माय वियर्ड चॉइस, मैं खुद एक करती हूँ exactly. लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं एक्चुअली एक स्क्रिप्ट है जो अभी इस साल करने वाली हूँ, उसका इंतजार कर रही थी। तो वो आगे होती होती, ऐसी बहुत सी चीजें जो आगे होती चली गई। आई नो एग्जैक्टली, कुछ फिल्में भी थी जो आगे होती चली गई। सैफी भाई वाली अच्छा वो फिल्म तो पता नहीं आगे चली गई या पीछे चली गई, मुझे उस फिल्म का नहीं पता। पता नहीं कहीं चली नहीं गई कम्प्लीटली। आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। तो ड्रामा कौन सा हो रहा है? एक drama है, I can't name it right now because my producer is very serious. But you're doing another film also, na, with the other Gohar. Oh, the other Gohar, yes, I am. I'm doing a movie called Abhi. तो उसमें काफी, it's a good story as well. तो कश्मीर के बारे में बहुत पता है। अच्छा मुझे लगा कुबरा अब पहले ज्यादा नजर आती थी, अब कम नजर आ रही कुछ अरसे से, यानी काम, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से काम अचानक से थोड़े रुक गए। हाँ. उसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग होती है वो थोड़ी सी चेंज रहती है, राइट? ऐसा ही है। एग्जैक्टली। जहाँ पे मेरा साल, आई मीन इस साल के एंड तक कंप्लीटली, इवन यू, हम कंप्लीटली बुक थे। कोविड की वजह से लाइक ऐसा स्टॉप आया एंड देन, क्योंकि फिल्म्स पर लोगों ने इन्वेस्ट भी नहीं किया ना कि यार अब फिल्म्स कंप्लीट करेंगे तो फायदा क्या है। एग्जैक्टली, आई मीन लंदन नहीं जाऊंगा एंड देन ऑब्वियसली अभी, एंड देन आई हैड 2 other मूवीज जो इस साल शूट होनी थी, लेकिन ऑब्वियसली एंड देन आई हैड 2 dramas as well, लेकिन अभी चलो we're resuming back now. So you're working back on TV. Oh yes, definitely. Of course. और हाँ जी, आपने तो बीच में 2-3 मैंने प्लेस देखे हैं, बड़े मजे के। हाँ मैं तो करता रहता हूँ काम। हाँ लेकिन अभी कोई ऐसा स्पेशल काम, कोई स्पेशल रोल जो हो रहा है कि गौहर ये बोले कि यार ये मेरा कैरेक्टर जो ना आप लोगों ने मिस नहीं करना, यू हैव टू सी दिस कैरेक्टर? वो भी अगेन एक स्क्रिप्ट है जिसका वेट बहुत अरसे से हो रहा था। अभी शुरू नहीं हुआ। ओके, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, फिजिकल नहीं, बस मैं फेशियल थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फिजिकल तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो भी जाता है, करते हैं। कौन करता है? नहीं कुछ कर लेते हैं। कौन? सोच रहा हूँ कौन। बट पीपल डू ट्राई हार्ड ना, कि इंडिविजुअली इन देयर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी, यस, बट लाइक जनरली ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। हाँ इतना ज्यादा कोई मैसिव नहीं। बट यू शुड बिकम एन एग्जांपल फॉर अस। सो फॉर यू गाइस, यस, I'm a junior, you are a senior, you should become an example for me. हम लोग age doesn't matter. The point is कि juniors भी एकदम से कोई ऐसा कर दें कि seniors भी सोचना पड़े यार ये इस लड़के ने बोलिया हमने भी करना है। ये होता है यार, हम लोग we learn all the time, we learning. क्यों नए लोग अच्छे काम नहीं कर सकते यार? बिल्कुल कर सकते हैं और कर भी रहे मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या ज्यादा अच्छा काम करें नए लोग? ज्यादा अच्छा काम करें नए लोग। क्या कहना चाह रहे हो? बहुत ज्यादा अच्छा काम कर, जैसे कि नए लोगों में। हाँ, सभी अच्छे हैं यार, सभी अच्छे हैं। हाँ। मतलब खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही सभी अच्छे, कुछ ना बोलना, आंसर ना देना, नाम ना लेना, बोल ले यार। बोल ना, सब अच्छा। हाँ सब अच्छा काम करे, हाँ। बस नाम नहीं लूंगा लेकिन सब अच्छे हैं। हाँ सब अच्छा, हाँ सब अच्छा, जनरलाइज कर दो। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। अच्छा कुबरा सोच रही है कि गौहर वाले सवाल अगर मुझसे ऐसा करेगा तो मैं क्या जवाब देती। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ दोनों की दोस्ती, यानी इतनी एक ऑब्वियसली दोस्ती होना बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी ज्यादा दोस्ती कनेक्शन किस तरह हुआ कि आपस में मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, कैसे? Actually, you know what? I'm going to be very real about this. Okay. I think हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जहाँ पे everybody goes through hard time. तो it just happened कि in his hard time I was there, in my hard time he was there. So that made the bond go even stronger. Right. Yeah. Yeah. So how come वो hard time दोनों पे एक ही वक्त में आया? जिस तरह लाइफ हैपेंस, यू नो, जैसा जिंदगी के अंदर चीजें होती हैं। नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ गौहर के पास ऐसा क्या मतलब ही इज सो इज वेरी केयरिंग। वो आई मीन गौहर इज लाइक दैट ना, बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा है, इसलिए दोस्ती हो जाती है इससे। या एक तो ये है, ऊपर से ही ट्राइज टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। मैं एक अच्छा इंसान हूं। It's as simple as that. हाँ बाकी तो अच्छे हैं ही नहीं। कुबरा को तो एक अच्छा इंसान नजर आता है। मेरी बात सुने, आपकी दोस्ती हुई? दोस्ती तो है, ये awkward pause क्यों था वैसे? नहीं इसलिए कि just put him on the spot. ऐसे बोलते हैं awkward pause. I was waiting for my camera to come on me and then I could say something. बहुत technical reason था इनका। हाँ अच्छा कुबरा, favorite actor कौन है इस field में? कि 5 लड़कों के नाम लेने जो बहुत अच्छे हैं। फहद मुस्तफा, I love that guy to bits. Oh sorry him. क्या? पहला नाम गौहर का क्यों नहीं था? नहीं, कितनी अच्छी दोस्त, बायस नहीं होना चाहिए। हाँ क्या मतलब यार, ये होता है अच्छी दोस्ती का सबूत। Exactly, we can just say it like whatever. तंग करो यार, ऐसे तंग करो। अच्छा so Fahad Mustafa, you and I'm not saying it because you guys are in front of me, but genuinely speaking. हमारे अलावा चलो, हमारे अलावा 5। नहीं 1 मिनट उसको पूरा करना। आप दोनों के अलावा? बोलो। आप दोनों के अलावा फिर। हाँ हम दोनों के अलावा। Fahad Mustafa, I think he's a fantastic actor. Imran Ashraf is a great actor. Of course. जाहिद फैंटास्टिक एक्टर। यार मैंने एक सवाल कुबरा से के याद करा रहा हूं। ये कितनी अच्छी दोस्ती है। हुमायूं as well, of course, great. I need 2 more. चलो Bilal Abbas is also good. Yeah, he's really good. Yeah, and he's got a very good screen presence as well. Shazad Sheikh. Shazad Sheikh. Oh, Shazad Sheikh recently specifically, he's done so well. I'm very bad. ये अब पता चल रहा है दोस्ती का ये। नहीं मुझे लगता है मैं किसी को भूल गई और बात नहीं पता चलेगा। किसी के maybe you take care of each other's back. Yeah. अच्छा किसके साथ गौहर का सिलसिला रहा? गौहर का बहुत किस चीज का? काम का और किस चीज का यार? Specific is good. काम का सिलसिला मेरा बहुत सारी मम्मी खवातीन के साथ रहा और बहुत अच्छी खवातीन के साथ रहा। फेवरेट खवातीन उन सब में से, सॉरी असर आई डोंट थिंक यू मेंशन खवातीन। आई डिडंट इवन से खवातीन, आई जस्ट सेड किन डायरेक्टर हो सकते थे, प्रोड्यूसर हो सकते थे, हीरोज हीरोइंस कोई भी। मेरा काम का सिलसिला बस बड़ी अच्छी खवातीन के साथ रहा। हां क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आई नो एक्टर के साथ होता है। नहीं आई नो मैं जब This is Gohar. Oh, कुल्हाड़ी कटिश। अच्छा अपना अभी तक जितना काम कर चुके उसमें अपना फेवरेट कोई ऐसा काम जो याद हो गया, दिस वर्क सॉर्ट ऑफ इसने मुझे रिकग्निशन दी, या इस काम से मेरा थोड़ा सा जो है जो मैं चाहता था वो हुआ, कोई ऐसा? None. Really? Like over the period of time, the one thing that I've learned the hard way is this के आपके सिर्फ बस में सिर्फ आपकी हार्डवर्क है, आप अपना 100% दें, उसके बाद उस रिजल्ट का वेट ना करें, ना एक्सपेक्ट करें, वो छोड़ दें। तो इसीलिए अगर कभी अल्लाह का शुक्र अगर कभी कुछ चीज अप्रिशिएट भी हो जाती है और कभी नहीं भी होती, ठीक है, नहीं भी होती, लेकिन कोई जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई हो वो एक होती है ना कि आपके चार काम में से एक चीज आपके दिल के जरा ज्यादा करीब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई काम शायद उतना अप्रिशिएट ना हो लेकिन यू लाइक इट वेरी मच। मुझे सिर्फ मेरे सब काम बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, आई थिंक मेरा जो अगला आने वाला काम है वो अच्छा है, वो अच्छा होगा। वो अच्छा पहले भी इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए। कुबरा का कौन सा, मुझे लगता है कुबरा का पहला प्ले कौन सा था? कुबरा हम टीवी, कितना अच्छा था यार। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। माइन टू, बिकॉज़ ऑफ यू ऑनेस्ट, यू वर सो गुड इन इट। अलिफ सैफी भाई आप भी सुन रहे हैं, यू वर सो गुड। यू हैव नथिंग टू डू विद संगे मरमर, इट वाज जस्ट सैफी भाई आप सुन रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सैफी भाई तो एक शहजादे आदमी है, बट कुबरा इतनी प्यारी है और स्क्रीन पे इतनी अच्छी फ्रेशनेस लेके आई थी कि इसको देखने के लिए मैं ड्रामा बहुत दफा देखा, टू बी ऑनेस्ट। टाइम ना मिलने के बावजूद मैं तो इस बात में कहने में कोई मुझे वो नहीं है। अलिफ में बहुत अच्छी लगी कुबरा की परफॉर्मेंस यार। आज भी मुझे लोग सीन टैग करते हैं कुबरा, मुझे भी वो एक क्रेजी लेवल ऑफ एक्टिंग था। एक्चुअली अलिफ लाइक काम और प्रेस्टिजेशन के अलावा I mean, it's no secret कि it was such a growth for myself, like internal growth for myself, because I felt like जब मैं उसने जहाँ के अंदर मैंने डाइव किया तो took me a long time to come out। मुझे यार, आपको याद होगा कि पहलाज को थोड़ी सी चोट लगती थी तो मुझे लगता था कि मेरा बच्चा है वो actually, so I feel like मैं actually उसके अंदर बहुत engross हो गई थी। स्क्रिप्ट में कुछ मैजिक था, हसीब भाई की पूरे काम में कुछ मैजिक था कि you just, it was like all smoke around you, you know, exactly. We got into it like in a strange way. Exactly. Anyway, family oriented Kubra बहुत ज़्यादा है because she's always talking to her mother. मैंने कुबरा का फोन बजते हुए अगर देखा तो सिर्फ एक शख्स का बजते हुए देखा, वो इसकी वालदा का। इस लड़की को कोई और फोन नहीं आता इसकी जिंदगी में, और कोई नहीं है, मुझे कोई फोन नहीं करता। तो गौहर भी शायद इतना अच्छा दोस्त नहीं था कि अब तो ये कर लेता होगा 4-6 फोन, लेकिन उसको गौहर का भी फोन नहीं बजता था। अम्मी, शाम को फिर अम्मी, फिर रात, बस अम्मी से क्या रिलेशनशिप है? बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। हाँ जी, आई मीन ऑब्वियसली लाइक शी इज द हीरो ऑफ आवर फैमिली, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं तो वो कहते हैं ना हीरोइन, बट एक्चुअल हीरो वो है फैमिली की। तो शी इज लाइक अ पिलर, हमारी वॉरियर, हमारी हीरो। तो अगर वो जिस तरह स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ना होती तो मैं, मेरी बहनें, हमारी फैमिली उस तरह आई थिंक सर्वाइव ना कर पाती, टू बी ऑनेस्ट। इट्स सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं। सो फॉर माय मॉम फॉर मी इज लाइक एवरीथिंग। इज शी सिंगल पेरेंट? No, she's not. Okay, she's not. But my dad suffers from dementia, so because खवातीन जब ज़्यादा strong, मुझे ऐसा लगता है कि माओ बापों के साथ भी बेटियों की बहुत बॉन्डिंग होती है, लेकिन माँ के साथ ज़्यादा तब होती है जब माँ को बहुत ज़्यादा वो माँ से impressed और inspired हो रही हो। So your mother is like a very strong kind of. Yeah. Actually, my when I was 16, my dad was diagnosed with dementia. तो उस वजह से तब से she took care of everything. Okay. So that's why she's like a, you know, strong woman. That's brilliant. तो अभी देख के टेलीविजन पे क्या रिएक्ट करती हैं, फीडबैक देती हैं, क्या पूछती हैं, क्या बोलती हैं? Yeah. वो भी पूछ रही थी, लाइव है या रिकॉर्डेड है? नहीं रिकॉर्डेड है, इसलिए चलो मैं देखूंगी साथ में। She's here in Pakistan. She's here with me right now. Yeah. In Karachi. Oh, lovely. अच्छा, right. She's originally from Multan, right? Not Multan. Multan से आगे एक छोटा सा शहर है। जहांपुर. जब नहीं, कबीर वाला जहाँ पर जब भी मैं उसे, you know, it's really funny, मैंने किसी शो में कहा कि गांव है, तो वहां से मुझे कॉल आया, गांव समझाओ यहाँ पे। I was like, नहीं शहर है, मतलब कबीर वाला 2 मीटर का शहर है, लेकिन है शहर, तो वहां से है वो। That's amazing, हमारे गांव भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बल्कि गांव की लाइफ is brilliant, it's amazing। एक चीज और वो ये कि ये बड़ी स्पिरिचुअल भी है। गौहर, you know that? Yeah. Like, or you know that? No, I want to know. अच्छा, how spiritual? Just tell me. Okay, which? Wait, Kubra, don't look at him. ये मुल्तान में किन के दरबार पे ज़्यादा जाती हैं? एक सेकंड कुबरा, बताओ, चलो। वो हाँ, वो दोस्त। नाम नहीं मुझे याद, लेकिन जी यहाँ पे तुम्हें वो दिया मिलाया था, शाह शम्स। जी, मुझे कैसे पता यार? And actually funny thing is कि I don't believe in obviously praying वहाँ जाके, लेकिन as respect. Of course, man, these saints, and I mean, this is one angle that people don't know about you. So I'm just talking about this ताकि लोगों को ये पता चले कि ये she is much more than what we see on TV. अच्छा, तो वहाँ पे जाके फिर सुकून मिलता है कुबरा को बहुत ज़्यादा। Exactly. It's a great place. It feels nice, exactly. दुआएं पूरी होती हैं? दुआएं पूरी होती हैं? मैं दुआएं नहीं मांगती वहाँ जाके। अच्छा, वहाँ जाके बस as a respect जाके दिया जलाती हूँ, अस्सलाम करती हूँ, निकल आती हूँ। How sweet is that? Wonderful यार। ये एंगल हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया अपने शो में, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। हाँ, जब गौहर की तरफ, गौहर भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। गौहर ऐसी बोलते हैं यार। अच्छा, आप बताएं इनके बारे में। कुबरा, tell me something about गौहर that people don't know. गौहर वो नहीं होता एक बंदे का, नहीं कोई ऐसी बात नहीं बतानी जो बताने वाली नहीं होती यार, बताने वाली बात बतानी है। बताने वाली बात बता रही हूँ मैं। अगर आप सिंपलेस्ट वे, अगर आप गौहर को 2 साल पहले जानते थे और कहते थे ये हमारा जिगर है, तो अब वो गौहर ये गौहर नहीं है. Really? He's completely different. You don't know Gohar anymore because he's flipped 180 in the best way possible. So, agar aap claim karte ho, how has that happened? How? I think it. I think zindagi mein ठहराव आ जाता है. कोई influence अच्छा हो गया, कोई जिंदगी में अच्छा influence है. ये क्या हुआ? Maturity आ जाती है. कैसे आ जाती है? अचानक से 2 साल पहले कैसे आ गई maturity? मुझे समझ नहीं आई. जब से कुबरा की दास दोस्ती भी अच्छी चीज सीख ली कुबरा से, ऐसा हुआ है कुछ? मम्मी ने अच्छे दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है नो डाउट. हाँ बिल्कुल. गौहर भी अपनी अम्मी से बहुत करीब है. He's very close to his mother. Yes. How close? I want to know ये relationship क्या है माँ और बेटे का, कितना करीबी relationship है? कितना आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते. बट फॉर मी माय मम इज लाइक, बहुत क्लीशे बात है लेकिन शी इज एवरीथिंग फॉर मी. उनकी खुशी ऑब्वियसली सब कुछ मैटर करता है मेरे लिए. लाइक मैं एक चीज का मशवरा, एक चीज उनको जाकर भी बताता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ. क्योंकि हमारे यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, और ये बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ना फॉर सम ऑड रीजन ये एक इम्प्रेशन है कि यार काम की बात औरतों से नहीं करनी, उनको नहीं समझ होगी इस बात की, ठीक है ना. ओ यार हमारे काम के बारे में उनको क्या पता, वो तो घर पे होती हैं. इतना गलत कॉन्सेप्ट है ये, इतना जाहिलाना कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना. जितने खूबसूरत और सबसे अच्छे मशवरे, ठीक है, मुझे आज तक मेरी जिंदगी में अगर किसी ने दिए हैं तो वो मेरी माँ है, ठीक है, या फिर वो खवातीन जो मेरे इर्द गिर्द हैं, ठीक है. अब वो मेरी दोस्तें भी हो सकती हैं, ठीक है, वो मेरी बहन भी हो सकती है, ठीक है, मेरी अम्मी भी हो सकती है. सो मैं अपनी अम्मी के साथ हर लिहाज से बहुत क्लोज हूँ. यानी कि उनके कहे बगैर अगर वो किसी चीज़ से मना कर दें तो बस वो हरफ आखिर है मेरे लिए, लाइक दैट. अच्छा, अब शादी के बारे में किसी ने सोचा है? ये एक ऐसे ही क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में सवाल था तो इसलिए मैंने कर लिया. किसी ने से पूछो पहले क्यों मैं तेरे से शादी के बारे में पूछ सकता? नहीं, मैं फिर से वाक्य सुनाता हूँ. मैं इनकी शादी पे जब छोटा था तो भाई ये वाला वाक्य नहीं, भाई नहीं, अपनी शादी को सुना कि हम उसमें आके अब डांस करें, मैं उधार उतारू उसके डांस का ताकि चुप करे ये. सुना है हर थोड़ी देर बाद रिश्ता आ जाता है और फिर कोई ना कोई, मेहंदी में डांस करते हुए रिश्ता आ गया, ये वहाँ शो पे गए रिश्ता आ गया, कुछ ऐसा नहीं? हाँ होता है. अच्छा आया था रिश्ता. He was just throwing a ball. He actually caught it. Hey, होते हैं कि कोई मौजूदा होता है. अच्छा फिर होता है, फिर क्या होता है? बस फिर कुछ वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है. खत्म हो गया. तो नहीं प्लान नहीं है अभी, प्लान अभी तक तो नहीं फिलहाल. क्यों गौहर, क्यों क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नहीं इस बारे में. मैं सोचवा रहा हूँ अब, सोचो. मैं घर जाकर सोचूं. What about you, girl? What about you? No plans at all? I'm good. Honestly, I think the one thing I've realized is that the maturity or the independence or the self-growth you can do alone, you can't do that with someone else. And I'm a firm believer that my mother, I call her Khanam, she always says that until the foundation is strong, you can't become a building. And every person is a foundation. Until you are strong or you don't think that you can involve someone else, you shouldn't be with somebody. So I'm in my self-growth journey. When it happens, then we'll see. But there's time in it. Impressed with both of you, man. What a joke. I had an interview for 1.5 years ago. They weren't both like that. This is 1.5 years ago. What's going on in 1.5 years? The world is changing. I think COVID has a lot of difference actually. Oh, you're right. This is a serious thing. You're right. On a serious note. It affects a lot. You know that the person who does planning or thinks about things, it doesn't happen. It's just everything from the top. And the other thing is that you always think that, for example, you need to meet friends, you need to do this. But when we went to isolation, we actually felt that we don't give enough credit to ourselves. कि हम खुद भी आराम सुकून से सही रह सकते हैं. एंड आई थिंक व्हेन यू रियलाइज कि इंडिपेंडेंस तो एक चीज है लेकिन यू कैन डिपेंड ऑन योरसेल्फ आल्सो, या दैट इज लाइक अ ह्यूज, लाइक यू नो, एक भार हट जाता है सर से. तो आई थिंक ये कोविड वाला जो साल गुजरा है, आई थिंक हम सभी काफी ग्रो कर गए हैं टू रियलाइज कि यार दोस्तियां कम है लाइफ में, कम बहुत कम, बहुत कम। स्पेशल रीजन या यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट? No, I've always been like that, to be really honest. Less people, less meeting, less people. Yeah, exactly. And less drama as well. Gohar ke on the other, I think, and he has a lot of friends. Used to. You used to? Yeah, not anymore. Iski kya wajah hai, Gohar? वही वाली बात मैं मिले कि अच्छा दोस्त ना होना कोई बुरी बात होती है? कम लोगों से मिलना कोई बुरी बात है? बुरी बात तो नहीं है। आपकी चॉइस है ना? चॉइस है। चॉइस है आपकी। लोग माइंड कर सकते हैं अगर आप उनसे नहीं मिल रहे रेगुलरली, आप उनके पास नहीं जा रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कुछ लोग कर लेते हैं माइंड, लेकिन फिर इवेंचुअली वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं इस बात को। ठीक है, वहाँ तो मैं समझदार लोगों से हाँ ठीक है। अच्छा कुबरा, कभी एक्टिंग मतलब फिल्म टीवी में एक्टिंग तो होगी, कुछ और इस फील्ड में यू वांट टू कैरी ऑन? डू यू फील दैट यू वांट टू कैरी ऑन इवन इफ यू आर सेटल्ड? इज इट सो इंटरेस्टिंग, इतना पैशन है कि इसमें डायरेक्शन भी शुरू कर दोगे, इसमें और प्रोडक्शन भी हो सकती है? You know, as weird as it might sound, कि acting तो obviously it's become something very dear to my heart, लेकिन मुझे बताया गया है ये कि I have a vision and I mean I have an eye, yeah, so और मुझे शौक भी है for some reason, like जब मैं कुछ पढ़ती हूँ या I'm a visual learner and I do everything like imagination के साथ वैसे भी, तो मुझे लगता है कि वो जब मैं देखती हूँ कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं गाना सुनूंगी, मेरे दिमाग में कुछ कंप्लीटली डिफरेंट होगा और आगे देखूंगी लाइक अच्छा ये था, नेवर माइंड दैट, कोई बात नहीं। सो अभी नहीं, बट मे बी आगे जाके होपफुली इफ आई डेफिनेटली इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू गौहर, एक्टिंग के अलावा यू हैव डन थिएटर आल्सो, यू हैव डन फिल्म्स, टीवी, हर चीज माशाल्लाह कर भी रहे हो, हुई भी है, तो डायरेक्शन प्रोडक्शन में कोई शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ मुझे ये है कि मैं भी शायद ब्रेक लूँ। आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक, ठीक है, आई वुड लाइक टेक यू नो ब्रेक, और फिर उसके बाद सोचूंगा कि क्या। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई, ऐसे में क्योंकि मुझे अभी कोई चीज़ इंस्पायर नहीं कर रही। राइट, मुझे कोई चीज इंस्पायर नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग इतना सोचने लग पड़ते हैं कि हमें कोई, यानी हमारी सेंसिबिलिटी कभी कभी आपकी इतनी स्क्रिप्ट में या बहुत सारा कुछ देख के इतनी बढ़ जाती है कि आप जो आम लोग देखना चाहते हैं आप उनसे डिफरेंट सोच रहे थे, और उनको जो चीज इंस्पायर कर रही थी वो हमें नहीं कर रही थी। बट देन व्हेन यू डू रन ऑफ द मिल वर्क दैट आल्सो इज लाइक्ड बाय देम, बट यू रियली वांट टू ओनली डू व्हाट लाइक इंस्पायर्स यू। क्योंकि वही वाली बात है ना कि लाइक इफ दिस, ये काम है ही बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन। मैं बताऊं, मेरे साथ उडारी के बाद ऐसा हुआ जो आप बोल रहे हो ना, उडारी के बाद मेरे पास 8, 9, 10 स्क्रिप्ट आए, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, और ये सोचते सोचते 1 साल गुजर गया, और मुझे थिएटर आया, मैं थिएटर करने चला गया, आई डिड नथिंग, लेकिन मुझे 1.5 साल बाद एहसास हुआ कि यार आई हैव मिस्ड सो मच। फिर मैंने बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज पिक की और वो फिर से क्लिक हो गई, एक मिसाल है। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे लगा कि मैं गलत सोच, या आपको शायद ब्रेक चाहिए होता है। मेरे लिए क्राइटेरिया किसी चीज का हिट या फ्लॉप होना नहीं है, ठीक है, कि वो लाइक क्लिक कर जाए या फिर मासेस में हिट हो जाए, वो क्राइटेरिया सेकेंडरी है मेरे लिए। उससे पहले ये कि यार ये काम है ही कंप्लीटली बेस्ड ऑन पैशन, ठीक है ना। अगर आपका शौक पैशन के बगैर हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता, जितने इंसेन आवर्स हैं और जो इंसेन अमाउंट ऑफ वर्क है वो हो ही नहीं सकता उसके बगैर। सो अगर आपको वो ड्राइव नहीं मिल रही तो फिर आप ना ही करें, तो फिर उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। जब कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन हो और इतने काम कर रहा हो तो फिर इंसान कहता है कि चलो यार ब्रेक ले लो। अब मेरी तरह का बंदा तो ब्रेक लेगा तो ब्रेड एंड बटर गया ना फिर मेरा, ब्रेड एंड बटर। नहीं, दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन जो आप कह रहे थे कि मैंने 2 साल से ड्रामा नहीं किया, ब्रेड एंड बटर गया। So that was one of the main reasons that I didn't do a drama because of the same reason. It did not inspire you, Kubra? No, after Husn-e Jahan nothing made sense to me. Oh my God. And I wanted to take a break. Actually. I swear. So I see what he's going through as well. But मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक दफा ऐसा हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो हर चीज इंस्पायर कर जाती है यार। You're easily pleased. कोई ऐसी चीज हो जो मुझे इंस्पायर ना करे, मैं सोच रहा हूँ कौन सी चीज है। अच्छा सर, आप एक ब्रेक यहाँ पे लेके गेम भी खेलेंगे। जनरल नॉलेज का शौक है? जनरल नॉलेज में कुछ अच्छा किस चीज का शौक है? मुझे अच्छे लोगों से बात करने का शौक है। आप बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। तो आपको मतलब हम बात करते रहें? हाँ, ब्रेक डालने बात करते रहे मेरे से। जनरल नॉलेज में कोई कुछ थोड़ा बहुत ऐसे या आई मीन लाइक थोड़ा बहुत तो श्योर हुआ है ना, बस फिर ऐसे ही मतलब मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले हम शॉकर की जाने पड़ेंगे। शॉकर यस लेके आए शॉकर, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। जोर से हाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम आउट विद अहसन खान। और हमारा अब का जो सेगमेंट है उसका नाम है झूठ का झटका, और क्योंकि जोर से लगता है और कुबरा पहले ही बहुत डर रही है यार, इतना भी मुझे करंट इतना पकड़े। एक मिनट ये दिखाएं, पकड़ के रखें गोहर। लग गया है हाँ। लग गया है बहुत, बहुत बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर। देखो यार हमने सोचा हमने लोगों के साथ जुल्म नहीं करते हैं। अब एक मिनट अब आप पकड़े हाँ। नहीं है एक नहीं है, उसकी रिएक्शन से पता लग जाता है। जोर से पकड़े ना यार, नहीं है हल्का सा लगा हाँ, वो माइनस है, माइनर हाँ माइनर। अच्छा ठीक है ना, यू विल आंसर फॉर गौहर, गौहर विल आंसर फॉर यू। यानी आप गौहर के सवालों के जवाब देंगे, गौहर आपके सवालों के जवाब, समझ आइए? ठीक। नहीं और समझाता हूँ, गौहर कुबरा बन के जवाब देगा, कुबरा गौहर बन के जवाब देगा। ओके ठीक है, लकी यू। कैसा लग रहा है? लकी यू कुबरा, लकी यू। ठीक है जी, Gohar as Kubra, okay, right? Yeah. Gohar. Wait, so I press his button. हाँ. Okay. Sorry. Ding. ठीक है. Gohar as Kubra. यानी कि Kubra. हाँ. मैं co-stars की favorite हूँ. हाँ. नहीं सब तो दबाओ ना उसको, ये you miss your chance, you miss your chance girl। Oh so you just press it without नहीं बच बाकी लग गया एकदम। अच्छा सबकी फेवरेट नहीं हो? नहीं एक दो होंगे जो कहते होंगे ये बस ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये कौन बेवकूफ होगा जो कुबरा को देखे, मतलब बस है, मुझे याद आया हाँ एक दो होंगे हाँ। Okay, ये मुझे भी याद कराना यार ऐसे ही बीच में ऐसे। चलो जी, कुबरा as गौहर। Okay. जब भी कोई खूबसूरत लड़की देखता हूँ तो ये सोचता हूँ चलती है क्या 9 से 12 13 14 whatever it is। सही तरीके से पकड़ो सही भाई, क्या हो गया जवाब अभी क्या? अरे पकड़ो तो सही मुझे वेरीफाई तो करने दो कि तुमने सही जवाब दिया गलत, ऐसी नहीं होता हाँ ठीक है अच्छा क्या फिर सोचता अगर ये गाना नहीं आता? नहीं मैं हर लड़की को देख के नहीं सोचता, सही है कुछ को देख, कुछ को हाँ कुछ को देख के 100 200 को नहीं, एक हाथ को। वाओ हाँ। यहाँ तो वो एक हाथ सुन रही है, यहाँ वो एक हाथ जानती है कि आप शो में एक हाथ का कहा गया है, वरना ये एक हाथ ऐसे कह रहा हूँ यार, सच ना समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, भाई हमारा दोस्त है। अच्छा जी, गौहर as Kubra, अगर मैं आपका फोन नहीं उठा रही तो समझ जाएं कि अगर मैं आपका फोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब है कि मैंने आपको फारिग कराया है, लेकिन जब मैं बाद में आपसे बात करूंगी तो एक इतना लेजिट एक्सक्यूज दूंगी कि आप सोल्ड हो जाएंगे फुल ये सच है, चाहे तुम मुझे करंट मार दो ये सच है, लगाओ हाँ ये सच, सही बोला है, सही बोला नहीं आई मीन अगर मैंने मिस कर दी है कॉल तो या तो मैं इंस्टाग्राम ही देख रही होंगी, या मैं वीडियो गेम खेल रही होंगी, या मैंने देखा होगा फोन में कहूंगी बाद में हाँ। या दिल नहीं कर रहा होगा बात करने का, कभी ये भी तो दिल नहीं कर रहा है बाद में ठीक है ओके कूल। कुबरा जी, इनके साथ काम करने से इनकार कर देता हूँ। इनके साथ किसी के साथ इनके साथ हाँ। नाम ही ले लिए, मतलब नाम तो नहीं, नाम ना लो वो ये उस वो वाला कुबरा से ले लो नाम एक नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे लोग जो अनोइंग हो That's very true. To him specifically. ये मना करता था काम करने से. हाँ हाँ. ओके. हाँ. ठीक है. Negative energy नहीं. Negative energy. हाँ. Negative energy. तो कोई भी कर दे ना, मतलब कोई भी negative. नहीं, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं. हाँ ये भी है. Patience level उसके जरा अपर चाहिए. हाँ. Exactly. ठीक है जी. गोहर. हाँ. अरे पकड़ो सीधू. और भी नाइस. ओके. उससे सच बोला वो दबाव में मिलेगा. अगर तुम सच बोलोगी या झूठ बोलोगी तो पकड़ूंगा. अब देखते हैं. ठीक है. हाँ. गोहर, मैं ये रोल, यानी मैं ये वाला रोल करना चाहती हूँ. ये वाला रोल करना. उसको पकड़ना. This you should know. हाँ, you should know. कौन से वाला? कौन से तो बनता है? ना उसके. I mean something on the lines of something on the lines. I'm not saying exactly like that, but something on the lines of Tomb Raider. You know, उस तरह का नहीं करना चाहती. जोर से दबाए उसको. Tomb Raider. अगली को. यार मैंने इतना अच्छा कवर किया था. मैं एक सच, मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट और. उससे क्या चलो मैं बना ही लूँ. वो कहेगी हाँ ठीक है ठीक है. हद होगी. क्या करना चाहती हो तुम? बताओ. I want to do two kind of. One, not Tomb Raider, like a period play of like a warrior kind. On the lines of Tomb Raider. Yeah. No. I want to do something with mental health. Mental health वाला अब आया है? नहीं, that. ठीक है, ये अब आया है. Mental health वाला तो मैंने शुरू known. ये market में नया है. Mental health वाला तो मैंने यही बोला. On the lines of warrior बनना है तो अच्छा Tomb Raider क्या है? I spoke about mental health. Tomb Raider on the lines of. But that came now. Tomb Raider came now. Not Tomb Raider. Tomb Raider अभी की film है. अभी कहाँ film है? Mental health पर बहुत ऐसे बोल रही हूँ. मेरे पुराने interview उठा के देख लो. आप वो भी said कि I want to do something like that. हाँ तो on the lines I'm saying. नहीं फिर भी exactly like that. गलत करना है. ये लाइन रूल्स कोई नहीं. के आसपास भी होती ना. चलो ठीक है. बट मेंटल हेल्थ ब्रो. मेंटल हेल्थ तो अभी आया है मार्केट में तुम्हारा. नहीं, दैट्स वन थिंग. अब वाज मुकाबल वाज मेंटल हेल्थ ना. ये मार्केट में क्या मतलब अभी आया है? एक मेटाफर. ठीक है जी. आगे जाए. नहीं अगर कहते हो, अगर कहते तो ना, वरना फैसला फिर कर लेते हैं इस बात का. आगे बढ़े. हाँ हाँ ठीक है. हो गया. आगे बढ़ते हैं जी. ठीक है जी. गोहर, इनके साथ काम करना आसान नहीं. कुबरा के लिए फिर से नाम देने हैं. मैंने अभी तो जवाब दिया. इनके बारे में बताना है कि इनके साथ कुबरा का काम करना आसान नहीं है. कुबरा को ज़रा डिफिकल्ट लगता है. It could be the too good, it could be the too bad, it could be number one straight up जो लोग बदतमीज हो, बहुत pompous हो, ठीक है, कि यानी कि कुछ खास गेम नहीं है लेकिन अपने आप में बहुत माचो बनते हैं. ओह, ऐसे तो तकरीबन ऐसे तकरीबन कोई भी नहीं है. हाँ, तकरीबन कोई भी नहीं है. लेकिन वो जो एक माइनॉरिटी है वो है. हाँ. So इनके साथ कुबरा का काम करना बहुत मुश्किल है. ऐसे लोग. ओके. इसमें भी करंट मार रहा है. सच बोल. ये सच बोल रहा है. ठीक है. Very good. Mental health. Remember that next time. Okay. कुबरा के लिए सवाल है. कुबरा जी, कुबरा पकड़ के रखो पहले. हाँ. मेरा यानी गौहर का फेवरेट राइटर कौन है? राइटर. यस. यार he has spoken. तुम पकड़ो तो सही. यार इसको सही तरीके से बोल. यार ये फाउल है. ये मैंने चीटिंग कर रही है. कभी चीटिंग मत करो यार. बदतमीजी. मैंने भी करंट खाया है ना. हाँ, लगा है ना. फेवरेट राइटर लगा कि नहीं लगा? ओके, एक सेकंड ट्राई कर देती हूँ. इसमें तो करंट ही नहीं आ रहा. करंट आ रहा है. ओके ठीक है. हमारा हाँ. उससे भी राइटर का नाम तो लिया नहीं. भैंस की पूछ. ओके. क्या सॉरी? भैंस की पूछ. हाँ, भैंस की पूछ. That's my PG-13 version of. फेवरेट राइटर नहीं मालूम. नहीं. ओके. He has a few. I would say there's this writer called. He has a few. Mohsin. Then there's Saji. Yeah, but okay, who is it? Then first tell me answer. No. नहीं ये होगा हो गया शाबाश। औरत बनो ओके हाँ बहुत जुल्म कर रहा है बेचारा। अच्छा कौन है खुद बता दो यार। मेरा कोई भी फेवरेट राइटर नहीं है। व्हाट इज दिस बिहेवियर देन? ये तरह आती है जो भी अच्छा लगता है मुझे। मेरे स्क्रीन प्ले राइटर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, मेरे डायरेक्टर्स बहुत फेवरेट हैं। ओके बट राइटर्स इन स्पेसिफिक मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है। बट यू सेड यू लाइक मोहसिन वर्क अ लॉट। लिटिल बिट मोहसिन देख लो आप। हां मोहसिन इज वन ऑफ दोस राइटर्स। मोहसिन अली इज वेरी गुड ऑफ कोर्स इज अ गुड राइटर। बट वो नहीं है कि मैं डाई हार्ड फैन ऑफ राइटर्स वो वाला सीन। ठीक है ओके ओके अमेजिंग ब्रिलियंट। क्या हो गया हाथ में? कांस्टेंट शॉक लगा अच्छा जी सवाल है मुझे जब गुस्सा आता है हाथ रख उस पे भाई। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं ये करती हूँ। क्या करती बताओ? जब बहुत एक्सट्रीम गुस्सा एंड वाला बिल्कुल एंड वाले बात हो रही है, मिडिल वाले की बात नहीं हो रही। ठीक है ना कि बिल्कुल दी एंड हो गया है मतलब क्या। और ये बहुत गलत करती है काम। ठीक है ये चुप हो जाती है और ये बिल्कुल अपने डैन में चली जाएगी और ये बिल्कुल गायब। That's true. That's true. जो कि बहुत गलत है। हाँ मैं I don't fight. I don't fight, I don't scream, shout. अगर वो लेवल ऑफ गुस्सा आ गया ना वो लेवल ऑफ गुस्सा आ गया छोटा गुस्सा आया तो बीच में बहस आर्गुमेंट खा वो कर लेगी। लेकिन अगर वो लेवल ऑफ गुस्सा आ गया ना तो ये बस चुप हो के बस कमरे में घुस जाएगी और बस बंद शट डाउन। ओके कूल वेल डन। गौहर ये पकड़ हां ये ना और पकड़ो। अवार्ड जीतने के लिए जरूरी है कि काम अच्छा करो। अवार्ड जीतने के लिए जरूरी है कि अवार्ड शो में आधा घंटा पहले ब्लैकमेल कर दो उनको कि मैं नहीं आऊंगा अगर मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा तो। अवार्ड जरूरी नहीं है हाँ। मेरी नजर या तो काम अच्छा करो। ये जवाब तो है? या तो काम अच्छा करो। बट देन अगेन ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट अवार्ड काम अच्छा करो तो मिल जाता है अवार्ड। ये you think so? नहीं एटलीस्ट नॉमिनेट हो जाता बंदा। आई फील लाइक ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट अवार्ड से ज्यादा रिवॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिवॉर्ड इज ओनली जो अप्रिसिएशन हमें हमारी व्यूअर से मिलती है, फैन से मिलती है, जो प्यार मिलता है या जो वो सीख उनको मिलती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ ट्रॉफी। सब लोग जाते भी हैं अवार्ड लेने के लिए और अवार्ड शोज में भी। See that's exactly the thing. सब लोग जाते हैं ना, so we don't really know anymore how authentic they are. Sorry, I have to say it as it is. सही बोल रही है, नहीं दबाना इस पे। नहीं, हाँ सही बोल। I mean it's a nice feeling to get it. Yeah. But I think हम इस point पे आ गए हैं कि we don't know anymore. चेक कर रहा था, फिर चेक कर रहा था। क्यों दबाया उससे दबा दिया? मैंने जब पकड़ा है, okay ना चेक ठीक है। Okay गौहर। गौहर कुबरा का जवाब दे रहा है। मेरा अब तक सबसे बेहतरीन ड्रामा ये है। It's either between नहीं एक either उधर नहीं दो में से कोई एक नहीं फिर मिलेगा दो में से कोई एक होगा Pick one. You have to pick one. Yeah. Alif. Yeah. Is that true? Yeah. Wow. Amazing. Lovely. Okay, ji. Kubra. Ji. Best actress. क्या लगता है गौहर को? क्या लगती है कि ये best actress है? No, but it's your thing, ना? Oh. You have to answer. Best actress. इतना सोचने की शो का टाइम निकल गया भाई। आयशा खान। आयशा is a great actor. Who? Ayesha is a great actor. Come on, who do you think is the best actor? अरे भाई अगला नाम चलो उसने वो लगा दिया। I want answer. Next name गौहर ने नहीं फिर आंसर तो देना। वो आंसर देगा भी एक और ट्राई, तीन ट्राई देते हैं। ओके डन। हाँ जोर चल। तीन दफा मैं क्यों इलेक्ट्रिक्यूट हूँ? नहीं नहीं अच्छा नहीं करूँगा नहीं। मुफ्ती की। अच्छा नहीं करूँगा। सही जवाब दो ना फिर। हाँ। मैं सजल। ओके गुड। अच्छा ठीक है सही है। बस हो गया ना। एक और नाम। तीन नाम देने हैं। सबा कमर। हाँ मगर उनसे भी ऊपर एक नाम है। रीमा जी। रीमा जी उनसे भी ऊपर एक नाम है। ओ सानिया सईद। आए सानिया सईद। सानिया सईद हम सबसे ऊपर एक ही नाम है। सानिया सईद है। ओनली सानिया आपा इज दी बेस्ट दैट वी हैव एक्चुअली। ओके अगर गौहर गौहर के लिए सवाल, अगर मेरा पहला रिश्ता नहीं कुबरा देगी हाथ रखो। अगर मेरा रिश्ता एक मिनट बस आएगा नहीं नहीं मैं दिल कर रहा सवाल ज्यादा क्या हो गया यार। अगर मेरा रिश्ता आया तो मेरा पहला सवाल क्या होगा? ये क्या पूछेगा उससे? चिल रहना, इनसिक्योर रहना। कि तुम चिल हो। ये पूछेगा कि तुम चिल हो। क्या मैं ऐसा सवाल पूछूंगा? ये मैं क्या इस तरह सवाल पूछूंगा मैं? हाँ मतलब तो hey girl, तुम चिल्लो। हाँ तुम चिल्लो। ये पहला सवाल बता दी। क्या कर रही हो आजकल? तुम चिल कर रही हो आजकल। पहला सवाल बता दी। चिलैक्स करो यार। चिलैक्स ये क्या मैं इस तरह बात करूंगा? हाँ I'll go now. How you doing? इस पे इलेक्ट्रिक्यूट नहीं करना चाहिए। अच्छा फिर और क्या क्या पूछे? क्या पूछ लिया ना। अगर मेरा रिश्ता आया कुबरा का तो मेरा पहला सवाल क्या होगा? अबे यार अभी तो बिला मजा नहीं। मैं कहता हूँ दोनों पकड़ बिला मजा नहीं। बहुत करंट लगाया उसे। बिला बिला मजा नहीं। बिला मैं जवाब अच्छा मुझे बिला मजा मारा था 3-4 दफा। नहीं नहीं तुमने गलत जवाब दिया था। टेस्ट कर रहा था जब कहा था। टेस्ट अब सही है। अभी सही है। अभी सही है। हाँ अभी कि अगर रिश्ता आएगा तुम क्या पूछोगी? पहला सवाल तुम क्या पूछोगी? स्पेसिफिकली क्या सवाल पूछेगी कि जनरलाइज ऑन द लाइंस ऑफ आइदर और ईदर और व्हाटएवर स्पेसिफिकली नो वे डूड गिव मी द राइट आंसर मैन अदरवाइज यू आर गोना गेट दिस। हर चीज को सेफ प्ले करने के चक्रों में। हाँ हाँ स्मार्ट लाइक दैट। नहीं अच्छा ये सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल करेगी। ये जिन चीजों अब आप चीजों एक चीज नहीं अब एक चीज के बारे में चीजों करते ताकि ज़्यादा करंट लगे। चीज तो पिज़्ज़े में होती है लेकिन दो चीजें। अच्छा सबसे पहले she will try to gauge कि कितना artistic इंसान ठीक है ठीक है वो होना बहुत जरूरी है। दूसरा Can I give you a better word? Yeah. कितना passionate है about what he does. हाँ. Passion is very important, bro. हाँ. Passionate about what, bro? Just generally, you should be a passionate person. Okay. Yeah. ठीक है. और दूसरा सवाल ये करेगी कि सोचो कि लगाना नहीं था वो गलती से हो गया। ओवर एक्टिंग वो डिस्टेंस में सो गया मुझसे। बस अब हो गया जवाब। अच्छा ठीक है हो गया। हो गई शादी तुम्हारी। मकसद पूरा हो गया। ठीक है मकसद पूरा हो गया। वो डिस्टेंस मिसकैलकुलेट हो गया था मुझसे। सॉरी। अच्छा ये यानी somebody गौहर की नजरों में जो सबके कामों में कीड़े निकालता है या निकालती है। कोई ऐसा नाम जो गौहर सोचता हो कि यार ये डायरेक्टर या ये प्रोड्यूसर या ये एक्टर ये बस सबके कामों में अक्सर बोलता नहीं यार नॉट अप टू मार्क। नाम लेने ना लो। कोई ऐसा इंसान जो वैसे ही एक आदत फप्पे कुटनी है वो जाके you know, लड़का भी हो सकता है या वो लड़का भी हो सकता है ऑफ कोर्स। हाँ जो पहले ही इस तरह की बातें करता है या करती है तो वो सब साथ में हमेशा डिस्क्लेमर भी देता है या देती है कि मैं तो कोई बात रिव्यू नहीं करता या करती, मैं तो गॉसिप ही नहीं करता या करती। ऐसे लोग हमेशा डिस्क्लेमर्स होते हैं, मैं तो कभी जिंदगी में तेरी बात नहीं की। ठीक है, यू मैं सोच रहा हूं, मैं ब्रेक में पता करेंगे बात। सही था, ओके गुड। ठीक है, ask him more questions. ये स्क्रिप्ट ठीक है। मेरी ये आदत किसी को नहीं पता। कुबरा की? हाँ। नहीं मेरी। उस वक्त से कुबरा के सवाल करो, मैं कुबरा की। मेरी ये आदत किसी को नहीं पता तो क्यों बतानी है? क्यों बतानी है? अगर बताने वाली ना बताने वाली नहीं कह रहा, बताने वाली आदत जो कि किसी को नहीं पता, जो कि किसी को नहीं पता। आई है गौहर के जहन में, आई है यू गुजरिश। हाँ आई है, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा। बहुत गौर से देख रही, घूरिया कर। ग्रांट मारो तो बता देगा, नहीं मारोगी तो नहीं बताएगा। घूरी करा रही, घूरी लड़की घूरी करा रही है गौहर को। एक आदत हाँ जो कि नहीं। समथिंग नाइस इज वेल, ओके। शक्ल से पता चल गया मुझे कुछ गलत कहने लगा है। अच्छा मैं चेंज कर रहा हूँ अपने दिमाग में। लो और मैं लेकर आया हूँ फॉरन को बुलाने वाला, ठीक है ना। एक जो चीज है जो केक मुझे नहीं पसंद, ठीक है ना, मुझे जहर लगती है, ठीक है। ये चावल तरीन लोगों को भी माफ कर देगी है, जो कि डिजर्व नहीं करते, ठीक है ना। हाँ कितनी अच्छी बात उसने बनाई है कुबरा। कुबरा का दिल कर रहा है कि वो इन दोनों को पकड़ ले और दोनों करंट में लगे। नहीं दोनों हाथों से तुम पकड़ो, ऐसी उसने बात घुमाई है। पहले भी ये बोल गौहर नहीं वैसे तो नहीं, लेकिन इस बात पे स्लो क्लैप। बनती है बाद में। हाँ बोलो मुझे। इंडस्ट्री में ये लड़की मुझे अपनी हम शक्ल लगती है या अपनी जैसी लगती है मुझे। कोई लड़की जो आदतन अपनी जैसी आदतें हो सकती हैं, लुक्स हो सकती हैं, कोई स्टाइल हो सकता है, कोई हंसी हो सकती है, कोई बात हो सकती है। ये लड़की मुझे अपनी जैसी लगती है। कौन लड़की मुझे अपनी जैसी लगती है? आयशा खान। Okay, yeah. Sure. I'll give you that. I think we're nothing alike. But we get along a lot. So. Yeah. But you both are beautiful. Yeah. Common factor. Like, yeah. Yes, sir. Yes. Last question. You take one. Here you go. No. Sorry. नहीं फजूल में ना करना ना। नहीं फजूल नहीं कर रहा, कोई पंगे नहीं कर रहा। क्या व्हाट तेरी फजूल मत करना, मैंने कहा ठीक है। अगर अपने चेहरे पर कोई काम करवाया तो वो ये होगा क्या? कि मैं अगर मैंने यानी एस्थेटिकली कभी जिंदगी में अपने चेहरे पे कोई काम कराया तो वो ये होगा। इस सवाल पे तो इनको करंट मारना चाहिए पहली बात तो। हाँ। मैं लगता हूँ कि मैं अपने चेहरे पे कुछ करवाऊंगा। गौहर दे रहे मेरे लिए। नहीं तुम एस गौहर बन के सवाल का जवाब दो। हाँ मैं दिया तो वो स्टिल मेक सेंस बट जैसे कि नहीं करवाऊंगा, कभी हो ही नहीं सकता। मैं लगता है कोई देख के कहीं से मतलब मुंह मुश्किल होता है। आप लोग सारे अंधे हैं। थैंक यू मुनीजा, इतनी मोहब्बत है आपको मुझसे। लेकिन जिन लोगों ने करवाया है उनका बड़ा ऑब्वियस भी है, मतलब है। सही बताओ। हाँ एहसन। ये नहीं अब उनके नाम बता दें आप। नहीं नाम नहीं बताने चाहिए, ये हर एक की प्राइवेट और पर्सनल चीज है। इस चीज में तो बुराई भी कोई नहीं है यार। मैं तो ऐसे ही बोला था। मुझे तो कोई नहीं करवाता यार, मुझे ऐसे देख के लगता है कि क्योंकि really ना big close कोबरा का क्यों आया really ना। This is just a joke and it's like you know like we're just having fun, that's it, nothing serious anyway guys। अभी और दिल है करंट खाने का यार, वो दबाई जा रहा है लग नहीं रहा। खराब है ये, खराब नहीं, मैंने हाथ नहीं रखा, ऊपर नहीं लगता। ऐसे नहीं पकड़ना ये वाला नहीं है, नहीं है चलो नहीं है लाइक प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, ग्रिप नहीं है, क्या हुआ है, कोई कमजोरी है यार एक ब्रेक लेके छोटा सा हमारे साथ रहे, नेक्स्ट गेम की जाने पड़ेंगे, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। With Ahsan Khan और हमारा सेगमेंट है सेल्फिश डिश, जो कि बिल्कुल सेल्फिश नहीं है क्योंकि आज दोनों बिल्कुल ऐसे लोग, वैसे कभी भी ऐसे नहीं हो जो सेल्फिश हुए हैं मेरे मुंह से क्या निकल गया है, लेकिन ये तो खास तौर पे अगर इनको मैं बोलूंगा मैं ना किसी का राज बता दो तो ये तो ऐसी बात बताएंगे जो कि बस नहीं हो रहा, राज नहीं पता चल रहा मुझे, बस ऐसे ही। अच्छा जनाब आपको समझा दूं, मैंगो डेजर्ट आप लोग बनाएंगे, मैंगो आप तो बहुत खाते होंगे, आम वो तो जून जुलाई में मुल्तान शुरू नहीं किया अभी तक खाना, नहीं अभी मैंने तो शुरू भी मैंने नहीं शुरू किया। मैं मुल्तानी आमों का वेट करती हूँ हर साल, सबसे बेस्ट होते हैं। आप किन आमों का वेट करते हैं? मैं सिर्फ आम का वेट करता हूँ चाहे कहीं मर्जी के हो, कहीं के भी हो, आम है। आम अच्छे कैसे खाते हैं आप? आम मैं काट के, ओके हाँ बेहतरीन तरीका वही है, हाँ काट के स्लाइसेस बना के, ठीक है ऊपर से उसका कोट उतार के, और आपके मैंगो मिल्कशेक भी बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आपको बनानी है एक मैंगो डिजर्ट और उसके लिए हमें चाहिए मैंगोज, बिस्किट्स, क्रीम, कंडेंस मिल्क और सिरप। और यहाँ आपके सामने बहुत सी चीजें हैं, आप लोग चूज करेंगे अपनी अपनी पर्चियां। अगर तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स निकल आया देन यू स्लाइटली सेफ, अगर नहीं निकला तो फिर आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा या कोई राज बताना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? जी। निकालिए कपड़े। क्या है? सोया सॉस के साथ ये आज क्या बनाने जा रही है कुबरा मैंगो डिजर्ट? नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। अच्छा अभी वापस देंगे गौहर। सॉल्ट उठा लीजिए, सॉल्ट कुबरा कम ऑन क्विकली। Egg. I can't. Egg. मैं भी उठा लेता हूँ। क्या चीज़? पर ketchup. Come on, Kubra. निकल क्यों ना, इंग्रेडिएंट्स की भी कोई चीज़ डाली बीच में, नहीं डाली? Garlic cloves. क्या करेंगे मैंगो डिजर्ट के साथ? मैं खाली खा रहा हूँ। कोई हाँ वाकई कोई है? हल्दी। वाह यार क्या बात है, हल्दी इज वेरी हेल्दी। तो मेरा कलर क्यों चूज कर रही? म्यो निकला है। ये ले। मैं क्या करूंगी इन सब चीजों का? चिली फ्लेक्स। असल वाले आंसर्स हैं इसमें? नहीं है, मुझे नहीं लग रहा इसमें है। ऑफ कोर्स है, ये चीटिंग हुई है। ब्लैक पेपर डूड नहीं है, I'm telling you इसको रीटेक कर ले। हाँ बिल्कुल भी नहीं है तो क्या ट्रीट करेंगे हम? तो ब्लैक पेपर भी नहीं है। अच्छा ये नहीं, लेकिन हम मतलब क्या मतलब बस नींबू ठीक है। अच्छा आखिरी भी देख लेते हैं, विनेगर। कोई एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, 5 अभी बचते हैं यार। अच्छा एक मिनट कोई बात नहीं, सब मिलेगा। ये देखो स्ट्रॉबेरी सिरप मेरे पास है, बिस्किट्स मेरे पास है, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है और मैंगोज है। लेमन भी ले लें ठीक है। नहीं आप रखिए अपनी चीजें। अच्छा अब ये हमें चाहिए, पहला तो ये Kubra, what do you need? The first thing that you need is condensed milk and biscuits. ठीक है मैं इसको पहले एक चीज ना एक करके वो दोनों बेस इकट्ठे है ना। ये बताएं Kubra कि ये प्राइम मिनिस्टर को अनफॉलो करने वाली क्या बात है? अच्छा ओके, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गेट इट आउट इन द ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 3 साल पहले की बात है, तो जो सारे वॉरियर्स मेरे ऊपर चढ़ गए थे, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि वो 3 साल पहले हुआ था और उस टाइम मैंने ट्विटर डीएक्टिवेट भी कर दिया था। बट आल्सो क्योंकि एवरीथिंग बिकेम रियली पॉलिटिकल फॉर मी एंड आई वाजंट गोइंग थ्रू अ गुड पैथ, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मुझे सोशल मीडिया से ही ब्रेक चाहिए। तो मैंने उस टाइम सबको अनफॉलो करके मैंने ट्विटर डीएक्टिवेट कर दिया। I have nothing against my prime minister, in fact anything मैं उनको like I have clothes with his face on it. So मुझे दें आप। ये आपका हुआ। ओके गौहर रशीद आपको क्या चाहिए पहले? अम्ब। अम्ब ये तो आखिरी चीज है। मुझे पहले चाहिए कि मसला है। ये तो सबसे ऊपर है यार। मैं पहले खा लूंगा मैं। फिर आम का नहीं बनेगा डिजर्ट। चाहिए इवेंचुअली तो चाहिए ना। पहले लें बाद में लें। सब समझ गया मैं। अच्छा गौहर रशीद का ये स्टेटमेंट किसके लिए? ये स्टेटमेंट था इफ अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद फेम एंड पुट यू इन an influential position, use it responsibly. The idea of bad publicity being publicity is ridiculous. यानी कि बुरी publicity बुरी होती है और अच्छी अच्छी होती है, और अगर कोई आपके ऊपर अगर कर्म है और आप influencer बन सकते हैं तो किसी अच्छी चीज में use करें। बात तो brilliant है और 100% सही है। Clap. लेकिन लोगों ने कनेक्ट कर लिया इसको किसी खबर से, किसी बात से, तो वो क्या था? कोई कनेक्शन था इसका? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा। टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली वही लोग कनेक्शन बनाते रहेंगे, लेकिन कनेक्शन कोई भी नहीं था। वो यही था कि उस टाइम फ्रेम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी जो कि बहुत नेगेटिव तरीके से पब्लिसाइज हो रही थी। ओके ठीक है। यानी कि वो ही मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग शायद इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी चल रही थी बहुत। नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे और हाइप भी क्रिएट हो रही है, दे आर एंजॉयिंग इट। हां सो वो मुझे था कि यार अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने अगर आपको उस मकाम पे रखा हुआ है तो आप किसी अच्छे कॉज के लिए आवाज उठाएं, किसी अच्छे कॉज के ऊपर बात करें, या फिर कोई मजाक की बात कर लें। और मैं ये समझता हूँ, मैं जब ये बात करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं ओल्ड स्कूल। बिल्कुल नहीं है, ओल्ड स्कूल ही ठीक है भाई। हाँ, और डिग्निटी और इज्जत होनी चाहिए इंसान की। एग्जैक्टली। नहीं, काट लें आप, काट लें। वो बात आ ऐसे रही थी कि मतलब नहीं बोले, नहीं अब आप बोले, नहीं अब आप बोले। The thing is like कोई किसी भी बात से खुश नहीं है। Either you're old school or you're too modern, so you can't really survive anywhere, and there's no middle either. So I mean nobody's going to ever be happy with you. So just live however. किसी को खुश होने का ना सोचें, ये सोचें कि आपको क्या ठीक लग रहा है। आपको क्या ठीक लग रहा है? लेकिन एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, डिग्निटी और ग्रेस होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर इज्जत के अलावा जिंदगी में सबसे पहली चीज और कुछ नहीं है। पहली भी इज्जत है, दूसरी भी इज्जत है, तीसरी भी चीज इज्जत है। एग्जैक्टली। तो वो अगर आप उसके मम्मी चीज के ऊपर अगर आप पब्लिसाइज कर रहे हैं अपने आप को, वो भी नेगेटिव तरीके से, और ऑन द स्टेक ऑफ के ओ मैं तो सही बात करता हूँ हमेशा, और या फिर मैं करती हूँ सही बात हमेशा। So be careful. Just be careful and be responsible. मैंगो तो दें। मैंगो hard. हाँ, I agree with you totally. ये वैसे खा सकते हैं। कुबरा आप क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए बिस्किट्स, please. बिस्कुट चाहिए कुबरा को। बिस्कुट. Right? I still love that ad. I swear, it was a fun ad. Yes, it was. आपने मेरे पास तुम हो का वो कैरेक्टर रिजेक्ट किया जो बाद में हिरामानी ने किया, ऐसा क्यों किया? मैं ब्रेक में थी उस टाइम, मैं काम नहीं कर रही थी उस दौरान, तो इस वजह से I didn't want to work at all उस टाइम पे। हाँ जी, तो इस वजह से I let go of it. Besides एक और मेन चीज थी, लाइक हम पैशन की बात कर रहे थे अभी। आई फील लाइक आपको वही काम करना चाहिए जो आप, आई थिंक मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, तो नहीं जो लगता दिल को, वो आवाज देती है आपको, लिटरली फील्स लाइक इट्स कॉलिंग यू। मुझे वो कॉल नहीं आई थी। महविश हानिया, हानिया के कैरेक्टर्स, मुझे वो नहीं फील हुआ था। राइट, देयर यू गो गर्ल। गौहर रशीद अब क्या चाहिए? ये स्ट्रॉबेरी सॉस कर लेते हैं जो आखिरी चीज है। ये शुरू में मेरा ये स्टाइल है, स्ट्रॉबेरी सॉस। लेकिन इसके लिए यार ये नहीं, क्या इसके लिए राज बताना पड़ेगा कुबरा का। कोई कुबरा का राज? क्या राज? ये तो आपको पता है, मुझे क्या पता। बार्टर है ये, राज बताएं और ये ले लें। क्या राज? अच्छा राज बताना होगा। क्या राज हो सकता है? आई लाइक दिस म्यूजिक। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहे क्या राज? बताओ कौन सा वाला बताओ। वाला बता दूं यार, कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। ये राज है? नहीं, हम सबको पता है। इतना सोचना पड़ रहा है ना। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, हालात ठीक नहीं लग रहे गौहर मुझे। क्या चीज है जो बताई जा सकती है? तुमने कोई राज नहीं है वैसे। अच्छा, एक छोटा सा राज तो नहीं है, बट छोटी सी एक प्राइवेट बात है कि ये इंतहा से ज़्यादा जंक फूड पड़ा होता है इसके फ्रिज में हर वक्त। और ये जब टीवी देख रही होती है तो ये ब्राउनी खाती है, ठीक है, और हॉट चॉकलेट पीती है, ठीक है, और सोफे पे पड़ी रहती है। Days off पे मैं वहाँ ही सो जाती हूँ, वहीं खाती हूँ, वहीं सो जाती हूँ। Cool is that? How much fun is that? No, it's not. But ये नहीं यार, but ये ब्राउनी और हॉट चॉकलेट जाता कहाँ है? जहाँ गया था वहाँ से निकालना पड़ा। स्ट्रॉबेरी सॉस। कुबरा क्या चाहिए? मुझे अब चाहिए स्ट्रॉबेरी सॉस। कॉपी क्या? बेस में क्या है उसके? Start making it, girl. Oh, I can start making it. Yes. Oh, good. अच्छा स्ट्रॉबेरी सॉस ये लें। नहीं लेकिन नहीं। दे देना ऐसे ही। You said I'm a good girl anyways. ताहा? ताहा? यार ये क्या? Hello. मैं उसने जहाँ हूँ। ये एक नहीं कोई ताली नहीं। ये धांधली है। सरासर धांधली है। ठीक है और ये एक बहुत जाती हो रही है इस वक्त। ये गैंग अप हो गए हमेशा की तरह। गैंग अप हो गए। राज बता रहा तो गौहर का ही राज था। मैं उससे बचा रहा था। इससे जो राज मुझे बताया ना कान में वो मैंने कहा नहीं अनाउंस करो यार। अभी वापस वो बता दो राज यार। क्या राज? एक तो वो इज्जत बचा रहे थे हम दोनों। ये लो यार। ऐसा क्या राज है? ये लो यार। कुबरा आप बता दो यार, बता दो आप लोगों को। नहीं वो वाला नहीं बता सकते। ठीक है वो वाला हम साइड पे रखते हैं। नहीं I'll go on the same lines as he did कि मुझ पे कह रहे कि इतना अच्छी बात नहीं है सोफे पे लेटना। ये अपने सोफे के सामने वाली टेबल को साइड पे करके हम मैट्रेस लिटा के 3 दिन सोया रहता है। वहीं पे उठता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे सब कुछ करके सो जाता है। Literally सब कुछ वही करता था। नहीं खाना पीना, टीवी देखना, गेम खेलना, सब कुछ। ये असल राज था भाई, असल राज ये था। वहाँ गद्दे पे सब कुछ करके सो जाता है, कुछ नहीं छोड़ता मैं। ठीक है जी, अब क्या चाहिए गौहर साहब? अच्छा इसका यार मुझे अब दे दें आप बिस्कुट दे दें। बिस्कुट ये लीजिए। क्या राज बताना पड़ेगा? इतने राज तो हैं भी नहीं। इतने राज बोलो सोचे नहीं हुए बताने के लिए। क्या राज है यार? एक और राज। कुबरा जब गमगीन होती है तो क्या करती है? जब गमगीन होती है से मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, यू नो दैट। जब गमगीन होती है तो जो कि एक अच्छी बात है कि उस गम के बारे में बहुत बात करती है ताकि वो सिस्टम से निकले वो चीज। अब छोड़ दिया, ठीक है। जब था गम, हाँ तो that proves my point। अब निकलती है। How do you know हम नहीं हैं अब? तो हाँ बता तो दिए, बात करती है बहुत। नहीं बस हाँ और क्या करें? और क्या चाहते क्या करें? I go to my studio और मैं अपने बंद कर लेती हूँ वहाँ पे। हाँ ये स्टूडियो भी चली जाती है अपने, वहाँ पे आर्ट वर्क करना शुरू हो जाती है। ये भी बताया इसने। याद बातें कर क्या? ये ले भाई, ले ले बिस्किट। कौन से बिस्कुट है? ले लो भाई, ले लो जो भी है, हम नाम नहीं लेंगे अभी। पहले नाम लिखा हुआ था, ले लिया मैंने, अब इन्होंने मिटा दिया वो नाम। अच्छा भाई अब क्या चाहिए? इन्होंने बनाना भी है। हेलो कुब्स। हेलो। व्हाट डू यू नीड नाउ? नाउ आई नीड मैंगो प्लीज। मैंगो। यू डोंट हैव मैंगो? नहीं बनाना। आई थॉट यू नीड cream also. Yeah, I'm going to need cream. So you need mango पहले. Yes. ठीक है वरना वो मांग लेगा mango. मिल्क चाहिए. ठीक है. राज. ऐसे नहीं मिलेगा mango. नहीं आप question पूछे मुझे. नहीं राज. Question चलो राज वाला कोई question पूछने रहा यार. Questions are fun because we find out what people are thinking as well. हाँ. Okay. I enjoy questions. गौहर ने अपने कितने encounters का आपको बताया हुआ है? किस तरह के encounter? Pew pew. इस तरह के राजों की बात नहीं करते हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा एक या दो या तीन का बताया हुआ या एक का बताया नहीं हुआ या है ही नहीं? मतलब मुझे could you repeat the question? सवाल की समझ नहीं आई मुझे। मैं तो आज ही पैदा हुई हूँ। मैं सवाल की समझ नहीं आई। शूटिंग encounters शिकारी है ना जाता है। ये नहीं शिकार नहीं करता, he doesn't believe in that stuff। शिकार तो नहीं हो ना। ये सवाल नहीं था मेरा, सवाल कुछ और था। शूटिंग दिस ईयर ही वर्क्ड। कितने ड्रामे पे काम किया आपने इस साल? शूटिंग एनकाउंटर्स 1 2 2 2 बस दो का बताया कुबरा को। हाँ, दो ड्रामे बाकी इनकाउंटर्स का नहीं बताया हुआ। अभी आगे आएंगे तो फिर वो पता चलेगा सबको। ये लो यार, मैं को ले जाने की इस बात का कोई मतलब और मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। क्वेश्चन का भी नहीं था, इसलिए ये करना पड़ा। ठीक है, गौहर राज अपना बता दो जो लोगों को नहीं पता। हाँ मैं बताऊँ राज क्या ये नहीं बनाते फिर कुबरा वाला खाएंगे सारे बैठ के। क्या क्या पूछे कुछ इस तरह नहीं, ऑन टॉप ऑफ माय माइंड नहीं याद आते ना यार। क्या मैं आज सोच कर आया था कि आज मैं एक्शन के शो पे सारे राज बताऊंगा अपने। ये राज बता दें कि मेरी जुराबों से बिल्कुल बू नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ये ऐसा ही राज है ना, इसका मिसाल दे रहा हूँ ना। नहीं बिल्कुल नहीं आती। आप ये राज बता दें कि मैं कपड़े इस डिजाइन के। एक राज बताऊं, हाँ, जो लड़के जॉनी ब्रावो वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट दे शुड कंसीडर सम अदर हेयर स्टाइल। ये किसको देख के बोला? मैंने किसी को नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे सेट पे जिस सेट पे मैं जिस ड्रामे की शूटिंग कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई राज नहीं। क्या चाहिए था? चाहिए कंडेंस मिल्क प्लीज, थैंक यू। नो थैंक यू। ये सब कुछ मिल गया, नहीं मिला? क्रीम रहेगी कुबरा, मुझे क्रीम चाहिए प्लीज। यार ये मैं तो नहीं बना सकता, बस ये खा लेंगे कुबरा। आखिरी बात क्या मतलब? कम ऑन मैन यार, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट डूड। आई एब्सोल्युटली हैव नो आईडिया। आखिरी बात क्या पूछिए? आखिरी बात नहीं, आप बताएं अपने बारे में, इनके बारे में, अपने बारे में। ठीक है, ओके। वो तो अपने बारे में नहीं बता सका कोई। हां मैंने बताया तो अपने बारे में। मैं क्या कर रहा हूं? राज इतने कोई आज सच नहीं है। ओके यार, जब मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, वो नहीं तो गलत वाला टाइम वेस्ट करती हूँ। नॉट वेस्ट नहीं, सॉरी, इन्वेस्ट करती हूँ जब मैं वीडियो गेम खेल रही होती हूँ। लाइक आई कैन गो फ्रॉम 10 PM to 9 AM जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम सारी रात। मतलब रेड्स करवा लें, व्हाटएवर इट इज। लाइक हम ग्रुप होते हैं, हेडफोन लगा के सारे फुल गेमिंग। वाओ यार, दैट्स इंप्रेसिव। ये तो आजकल जो यंग बॉयज है ना, छोटे-छोटे वो कर रहे होते हैं सारी से। हमारी इंडस्ट्री काफी लोग हैं एक्चुअली। वी हैव ऑल ऑफ यू टुगेदर ग्रुप। यस, कुबरा का जो मेन्यू है वो कंप्लीट हुआ। सॉरी, इंग्रेडिएंट्स आई मेंट। मिस्टर क्या राज बताऊं? कूल डूड, मिस्टर कूल डूड कह दिया। अच्छा है साजा यार, नहीं बिल्कुल अच्छा साजा। अब क्या बताएंगे आप? अब क्या करना चाहेंगे? नेक्स्ट बात आप क्या पूछते हैं? एनीथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट यू और कुबरा। एनीथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट यू एंड कुबरा। आई जस्ट सेड यू एंड कुबरा एंड यू वर टेलिंग मी अबाउट सो मेनी अदर पीपल। क्या बोलूं मैं? नाइस कुबरा, गुड यार। कोई ऐसी बात तुम्हारे बारे में गौर से नहीं पता लोगों को, जो नहीं पता लोगों को? जॉनी ब्रावो, मेरा हेयर स्टाइल जॉनी ब्रावो से। वेरी नाइस यार, बहुत आला। मैं टेस्ट करके बताता हूं। एक चीज रह गई है। नहीं डाली है। हां ऑफ कोर्स, बट यू वांट मोर? जस्ट फॉर द कलर। इट्स एक्चुअली नाइस। अच्छा गौहर, थैंक यू, मैंने बनाया। और आखिर बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट है यार। अच्छा, राज ये है कि यार राज नहीं आ रहा भाई। मार्क्स काट लेना, कुबरा जीत गई। खत्म बात। मैं आम खा रहा हूँ। हाँ, अबाउट हिम। क्या बोरिंग आदमी है। राज नहीं है ये कोई, लेकिन उसको मिलेगा फिर। Okay, then you owe me one. राज नहीं है कोई, लेकिन he's got a little puppy. उसका नाम बर्फी है, और जब से बर्फी गौहर की जिंदगी में आया है, गौहर is like completely like बाप वाला behavior, like you know बच्चों की तरह सबसे बात करता है, and I'm like कोई और होगा बच्चा, हम नहीं है। हाँ ये fact। तो यही राज नहीं है, लेकिन इसकी change की वजह वो puppy है। हाँ, वो जिंदगी में change की वजह वो puppy है जो आपने शुरू में बताया। अच्छा, वो recently आया। मुझे नहीं होता कि आप एकदम से सालों से बेटा करके बात करना शुरू करते हैं। ऐसे बेटा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बड़े हो गए, मैं छोटा हो। मैंने वो वो वाला I see. Yeah, so you can give him the cream now. ये cream ले लें आप. नहीं नहीं नहीं, मैंगो वैसी बहुत अच्छा. ना गया यार, इसके लिए ब्रेक पे खाना मंगवा दे प्लीज. अच्छा साहब, हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए. एक नेक्स्ट गेम है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. जनरल नॉलेज की बात कर रहा था, दोनों से सवाल करेंगे और देखेंगे कौन जवाब दे सकता है ज्यादा. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान. Welcome back to Time Out with Ahsan Khan. Welcome back to Time Out with Ahsan Khan. मैंने सोचा अगर तेज बोलने में समझ नहीं आया तो आहिस्ता बोलो, लोगों को ज्यादा समझ आएगा. छुट्टी बंद क्या लिखा हुआ है? छुट्टी बंद. छुट्टी बंद हमारे सिर्फ सेगमेंट का नाम है. छुट्टी आपकी बंद नहीं है, खुली हुई है. इसमें आपको सवालों का जवाब देना है. जनरल नॉलेज कुबरा, और मुझे यकीन है कुबरा को तो बहुत ज्यादा आते होंगे, और गौहर को उससे भी ज्यादा आते होंगे. नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं. लाइक जनरल नॉलेज नहीं, बिल्कुल. Come on man, I know you're just saying it. Even if it's okay, कभी-कभी ऐसी रिवीजन होती है. मैं नेदा और यासर आए हुए, तो मैंने उन्होंने इतने अच्छे सवालों के जवाब दिए, तो मैंने सोचा इन्होंने तो स्क्रिप्ट पढ़ लिया यार कहीं से. वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चों को क्योंकि पढ़ा रहे होते हैं पेरेंट्स, तो जो पुरानी बात आपने सुनी भी होती है ना, तो वो रिपीट हो जाती है. और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका हल है. वो हल इसके अंदर है, बाद हम सारे अजूबे बने होंगे. ट्रेजर बॉक्स में हल है. तो पहले सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? जी. गौर से सुनेगा, स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ भी आएगा सामने. द क्वेश्चन इज, ऑन विच रिवर the Mirani Dam was constructed? I'll give you options. Okay. Komal River, Dasht River and Kabul River. The Mirani Dam. Yeah. The, which one was the options there? Komal River, Dasht River. Okay. Dasht River. He's right. He's right. He's right. Kubra, Kubra, choose that number, yaar. I'll go for number. I tried my best, Kubra. I know. Keep trying. Keep trying. Yeah, you were like helping her out. No, no, he was telling the questions easily. Yeah, easier way में आराम से time दे रहा था. Seven, please. Number 7, Kubra के पास जाएगा. Number मैं क्यों नहीं choose करूँगा? Joker cab. अच्छा okay. So she'll wear a Joker cap. Okay, nice. Yeah, suits you. That's actually not a Joker cap, but okay. Yeah, that's actually not a Joker cap. Huh. I prefer that one. Yeah. I definitely prefer the Union Jack right now. Yeah. Huh. So. Aisha. So cute. So nice. So cute. See, the point is you still look so cute. Yeah. Thank you. Okay, see, next question. Next question. Gaur se sunega, options bhi gaur se sunega. The highway which connects China and Pakistan is, the options are Grand Trunk Road, Karakoram Highway, Makran Coastal Highway. Karakoram Highway. Karakoram. That I know as well. नहीं, ये replay करने किसने पहले बोला? बिल्कुल सही है. ये तो बायस रहेगा तो इंसान कसम से इतना बायस. वैसे गौहर ने भी जवाब दिया था उसी वक्त. हाँ, दोनों ने दे दिया जवाब यार. हाँ, कोई नंबर चूज नहीं करेगा. गुड गुड, दोनों एक साथ बोले हैं. हाँ, ऑनेस्टी का नंबर. ऑनेस्टी का नंबर बोला था. ओके, कूल, वेरी नाइस. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, dengue fever. Dengue fever is diagnosed with, the options are low platelet count, high platelet count, and none of the above. Low. Oh, high. Low. Say it again. Low. High. Low. High. Low. High. She's right. High. She's right. Because I had dengue. She's right. She's right. She's right. Dairy fever. Yeah. Diagnosed होगा अगर आपके high platelets होंगे. अच्छा चलने लाएं दे भाई क्या? I had dengue 4 years ago. You had dairy fever? लाहौर जाके हो गया था. Choose करें ना. वहीं जाके मुझे सब कुछ हो जाता है. COVID भी dengue भी. है ना? One कर लें. Number one. हम तो कोई और number choose ही नहीं कर सकते. क्या पहनना? Santa beard. मार अच्छी वाली है. अच्छा चलो. के नीचे रख लो थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. मैरी क्रिसमस. नाइस कूल. मैरी क्रिसमस. ओके ट्रिकी क्वेश्चन. ओके व्हेन डिड पीटीवी स्टार्ट इट्स colored transmission? Colored. Not difficult. 1974, 1975, yeah, 1976. 74. 6. क्या बात है? क्या बात है? 74. And you didn't even help me in this one. Yeah. Exactly. भाई पहन के रखना थोड़ा सा. यार. शॉर्ट्स बन रहे ना अच्छे. ऐसे थोड़ी काबू आता है यार. ये नंबर दे दें यार. 5. वो क्या है? वो हेयर बैंड. क्यों बैंड भी ला सकती है. Minnie Mouse. Nice. It looks so like nice. Minnie Mouse. Yeah. Light भी चलती है. अच्छा okay. Okay cool. Nice. Diamond is made from which element? The options are carbon, gold and silver. Gold and silver. Carbon या gold या silver. Carbon, of course, yeah. Of course. I worked, but I'm a specialist as well. Number choose कीजिएगा. No, I did. यार मुझे लग रहा है मेरे भाई को सास दिया है तो यहाँ पे कर ले यार. हाँ यार बेहतर. यार 7 दे दे. That was very easy. 8 दे दे. That was very easy. I told you. Not bad at all. क्या है? Red दुपट्टा. ये दुपट्टा नहीं तो दरबार में जाते रहिए तो. दुपट्टा कहाँ से? यही तो दरबार में चादर लगती है. है ना? क्या करना है? और कुछ रह गया? Cool लग रहा है यार. वो तो सारी बात. अच्छा ये he's carrying it off the red चादर and white scarf. It's a beard out. Cool लग रहा है यार. Beard out. Okay. Beard ना खराब हो जाए. Okay, next question. गौर से सुने. Very easy. Options हैं पेशावर, फैसलाबाद या हैदराबाद. अब सवाल करता हूँ. Options हैं पेशावर, हैदराबाद या फैसलाबाद. The city of textiles is हैदराबाद. फैसलाबाद. It's फैसलाबाद yeah. फैसलाबाद. दोनों ने सही जवाब दिया. हाँ. फैसलाबाद. दोनों ने दिया सही यार. दोनों ने सही दिया. कुछ और ही बना दे. नहीं कुछ ही मिलेगा. नहीं मैं मिस कर रहा हूँ. अब शॉप पड़ गया. मैंने सारा ट्रेजर बॉक्स पहनना है. अगला. Okay. Tricky. The PAF, Pakistan Air Force, started introducing female pilots in 2004, 2005 and 2006. 6. But you responded already. I was going to say 6 as well. Oh really? But you didn't say it. Kubra, choose the number. अब हर दफा escape नहीं भाई. उसको 4-5 दो. 10 रुपए के तुरतरे दे दो. क्या है? 10 रुपए के तुरतरे. 10 रुपए के. यार बता. हाथों में समझ लेना. हाँ को कोई तस्वीरें खींचता साहब, so cute, so nice, cool. Okay, this is second last question. Okay, last question में ये हो सकता है कि you can take one thing off if you give the right answer, but this is second last. Okay, okay, you can breathe now. Thank you. Easy, easy. गौर से सुनिएगा. Which country is situated below sea level? Sea level से बहुत नीचे एक मुल्क है, मैं नाम लूँगा. New Zealand, Netherlands, Australia. Australia. New Zealand. The site. Okay, you said New Zealand and you said Australia. Australia. दोनों का जवाब गलत है. Oh. Netherlands. Netherlands. Holland. जहाँ Holland. Amsterdam. Never mind. You should be knowing that. I should have known that. I should have known that. Number choose कीजिए. दोनों. दोनों of course. Number 6. 6. I'll go for 3. क्या है? माफ किया. What? अरे वाह. 3 please. Yeah, devil hairband. So should I take this off? Your choice. सींग थोड़े टेढ़े, लेकिन सही। Devil नहीं हो ना इसलिए। Guys, very nice. ये गौर से देख लीजिए, हमारे amazing superstars, amazing friends, our brilliant. They're looking amazing. You guys are looking amazing. Kubra, this really suits you. Try this out. Have you ever tried this? Have you ever tried this out? Try the halo. It's gonna go with me. It doesn't right now. See, it doesn't. 249 में लेकिन जो गौहर का ये उस वक्त से लाइटें मार रहा है ना ये ब्रिलियंट लग रहा है. वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड गाइस. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद अहसन खान. और मेरे साथ मौजूद हैं कुबरा और गौहर. और जो सेगमेंट है उसका नाम है दिल खोल के. इसलिए कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे बंद करके चाबी फेंक दी मैंने. खुलेगा नहीं दिल वो, इसलिए कि इसमें कोई नाम निकलेगा, कोई गाना निकलेगा और आप जो है हस्बे जायका कुछ भी कर दीजिएगा, हस्बे तौफीक. आप पहले आप या पहले आप? लेडीज फर्स्ट. धड़क भड़क लगाओ यार. क्या कुबरा किस्मत पाई है, ये गाना कुबरा के आते ही गाना खुल गया. कौन सा गाना है? धड़क भड़क. सुना बड़ी अच्छी मेमोरीज है धड़क भड़क की. हाँ हाँ. यू एंजॉयड सॉन्ग? या. क्या स्टेप था? मैं याद कर करके गई थी. लाइक क्या है एक शख्स ऐसे बन के बैठा है जैसे कभी डांस का नाम ही नहीं लिया इसने. नहीं नहीं, मैंने आखिरी दफा अहसन भाई की शादी में डांस किया. शादी में सबसे आगे आगे होता ही है. हाँ अब ऐसे बाबू बन गया बाबू अचानक से. क्या है ये? चांद नवाब. क्या अब मैं चांद नवाब की नकल उतारूं? चांद नवाब ये फिर आगे से गुजरिएगा अभी जरा चांद नवाब की नकल के क्या कहा था उन्होंने कि कराची से आने वाली ट्रेन के मुसाफिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप लोग सब साइड पे कितना कूल था यार, ये कुछ चीजें ऐसी वायरल हो जाती है फॉर नो रीजन। एग्जैक्टली फॉर नो रीजन। सारी उठानी है, एक उठानी है कुबरा। दोस्त है हमारा सबका यार, हमजा अब्बासी। I want to wish Hamza Ali Abbasi best of luck for the book he's writing, and I hope that it does wonders. Cool. सुहेल बड़ैत साहब, आज अहसन खान इतने जो तंदुरुस्त लग रहे हैं, माशाल्लाह से लगता है आपकी डाइट बहुत अच्छी है, तो खाने में क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या बात है, बहुत जुदाई है। यू नो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट्स। अच्छा, ही नॉट माइन। उफ, ही इज अमेजिंग एंड ही इज सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मेट हिम कुबरा, आई लाइक इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना नॉलेज वाला आदमी कि मैं हैरान हो गया उनको मिलके। जब अभी मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया, आई वाज amazing, honestly. Yeah. Yes. Reema. Okay, Reema ji के बारे में मैं actually कुछ कहना चाहूँगी कि I had the craziest fan moment. हम कुछ साल पहले की बात है, 2018 की बात है, हम दोनों सेम स्टूडियो में डबिंग करवाने गए थे। मुझे याद है मैं डबिंग करवा के बाहर निकली और वो खड़ी हुई थी वहाँ पे, नदीम भाई से बात कर रही थी। All I remember कि उनके बाल बंधे हुए थे, ठीक है, she had her hair tied up like that, and उनने पोनी खोली है अपनी और ऐसे किया, and I swear वो नहीं होता एक लड़की बस ट्रांस में चली जाती है, उनके बाल ऐसे lusciously move हो रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, ला 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 ला, like my our एक और friend हमारा मुसादिक, हम दोनों एक दूसरे को देखने में like literally, I mean, she's so beautiful, she's and so graceful, yeah, she is, and she is, yeah, I love her to bits. So yeah. Nobody like her. She's gorgeous. Nobody like her. Literally, gorgeous, gorgeous. आखिरी बची नहीं यार, कल्लू के लौंडा हो गया, कल्लू के बोले लौंडा। हाँ, हो गया गौहर का गाना। हाँ, कल्लू के लौंडा हो गया यार, क्या गाना है कुबरा, क्या गाना है, चलाओ गाना। धो कपड़े धो गया, कल्लू के लौंडा हो गया। आज गौहर उठ क्यों नहीं रहा अपनी जगह से? गौहर जब बैठ जाता तो फिर बैठ जाता वो कितने हैं अभी? दो तो नहीं आगे। पहले तो कभी कभी गम था। गाना गाना है, क्या करना है? Then we can all three sing together. Okay. चल शुरू कर दे। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। इससे आगे नहीं आता, इससे आगे नहीं, आगे नहीं आता, आगे नहीं आता, आता मैं गा लेता। हाँ। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल अब बेहतर ये है कि मेरे गेस्ट जो हैं वो मज़ीद परेशान हो, तो क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया, तो इसलिए मैं मज़ीद खेल नहीं सकता अब ये जो गेम है हमारी, बिकॉज टाइम इज़ अप एंड आई कैन एक्चुअली सी दैट द टाइम इज़ अप, क्योंकि मैं चाहता गौहर उठ के एंड में तो वहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि वो एंड में आना होता है वहाँ पे यार। नहीं यार, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाना चाहिए इंसान का। आप इतना कर रहे हैं मुझे प्लीज यार वहाँ तक चलते हैं। ऐसे में अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद चलूंगा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच गौहर, प्लेजर फॉर कमिंग। प्लेजर। हिल क्यों नहीं अपनी जगह से? यार मजाक कर रहा हूं यार, बट गॉड थैंक यू वेरी मच। हाँ और कुछ? थैंक यू फॉर कमिंग मैन। किडिंग यार, कुब्रा थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, ऑल द लक फॉर एवरीथिंग दैट यू डूइंग इन फ्यूचर, योर पर्सनल लाइफ, योर वर्क, एवरीथिंग, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह सीइंग यू सून। बहुत बड़े-बड़े मजे-मजे के प्लेज में, फिल्मों में। गौहर ऑल द लक टू यू, थैंक यू। आई थिंक यू नीड टू वर्क मोर। I mean, बहुत काम करते हैं आप माशाल्लाह, हर जगह नजर आते हैं, लेकिन और क्योंकि जब अच्छे एक्टर्स और अच्छे अच्छे लोग जब काम करते हैं उसका एक फ़ायदा होता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके हिस्से में काम रहता है। कभी कभी जब बहुत से अच्छे लोग पीछे हटते हैं तो बहुत से एवरेज लोगों को जगह मिल जाती है। व्हाट आई फील दैट एवरीवन नीड्स अ चांस, एवरीवन शुड वर्क, एवरीवन शुड बी देयर, बट अच्छे लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि वी मिस आउट ऑन सो मच। मैं कभी कभी अपने अच्छे डायरेक्टर्स को बैठ के कहता हूँ कि यार आप लोग 2-2 साल एक फिल्म पे लगा रहे हैं, लेकिन हम टीवी के ड्रामों, अच्छे ड्रामों से महरूम हो गए, हम बहुत सी चीज़ों से, तो इसलिए बहुत से अच्छे एक्टर्स जो हैं जो वो ज़्यादा नजर आते हैं। कुब्रा जब मुझे हर ड्रामे दूसरे में नजर आएगी तो मैं तो हर ड्रामा देखूंगा लगा के। कुब्रा खान आ रही है, वाह यार। तो ये बात है, डू यू गेट द पॉइंट इन अ गुड वे? गॉड थैंक यू वंस अगेन गाइस। आप कुब्रा, व्हाट हैपेंड? आई एम लुकिंग एट यू गाइस। कुब्रा थैंक यू फॉर हैविंग अस, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। प्लेजर कुब्रा। मुझे ये बताएं जाते जाते एक बात, अपने फैन से इफ़ यू वांट टू से समथिंग, पीपल हु लाइक यू, हु फॉलो यू, हु वॉच यू, हु ऑलवेज लाइक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हैं और कमेंट्स करते हैं, उनको कुछ कहना चाहती हो, क्या बोलोगे? एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं 2 साल से काम नहीं किया, मैंने ड्रामे पे स्क्रीन पे नहीं आई मैं, हालांकि वी वर वर्किंग। यूजली क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स यू नो इफ यू आर नॉट सीन यू आर फॉरगॉटन, लेकिन जो मेरे फैंस हैं जो एक्चुअली जेन्युइनली day 1 से वहाँ पे हैं, उन्होंने एक दिन भी मुझे ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि आई एम फॉरगॉटन। सो आई वांट टू से थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी सेकंड वन ऑफ योर सिंगल वन ऑफ योर love and support, and all the Kubraians out there, I actually genuinely love you a lot. Thank you so much. Wonderful, wonderful Kubra। गौहर अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, जो लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनको कुछ अगर कहना चाहते हो तो क्या कहोगे? मैं सिर्फ शुक्रिया ही कहना चाहता हूँ उन लोगों का, कि बस इसी तरीके से दुआओं में याद रखिएगा और प्यार करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान। गुड बाय, टेक केयर।